बढ़ते आगे अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है और इसको लेकर लोग उत्साहित हैं। बीजेपी भी इस पल को ऐतिहासिक बनाने के लिए कई कार्यक्रम कर रही है। बीजेपी ने आज से 21 तारीख तक देश भर के मंदिरों में साफ सफाई अभियान चलाने का फैसला लिया है। पटना में भी आज इसकी शुरुआत की गई। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने खाजपुरा शिव मंदिर में साफ सफाई की और इस दौरान उन्होंने अपने हाथों में झाड़ू पकड़ा और मंदिर की सफाई की। इसके यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के जितने भी मंदिर हैं सबका सफाई अभियान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के द्वारा किया जा रहा है और इस प्रदेश का 21 तारीख तक सभी जगह कैसे सफाई हो, रंग रोगन हो, इसकी चिंता हम लोग करेंगे और 22 को भव्य राम मंदिर की पूजा हो उसकी पूरी कल्पना मंदिर के माध्यम से ही हम लोग देखने का काम। वहीं बीजेपी नेता ऋतुराज सिन्हा ने पाटलिपुत्र कुर्जी इलाके के महामृत्युंजय परमेश्वर महादेव मंदिर में सफाई अभियान चलाया और आज सुबह सुबह वो अपने समर्थकों के साथ मंदिर पहुंचे। मंदिर पहुंचकर भगवान का उन्होंने आशीर्वाद लिया और उसके बाद उन्होंने अपने हाथों में झाड़ू को पकड़ा और मंदिर के साथ ही आसपास सफाई अभियान चलाया। इस दौरान उनके समर्थक भी हाथों में झाड़ू पकड़कर सफाई करते दिखे। ऋतुराज सिन्हा ने इस अवसर पर लोगों से भी अपने आसपास के मंदिरों की सफाई करने का आग्रह किया। आज भारतीय जनता पार्टी के और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से अधिक संख्या में इस गली के जो हमारे युवा भाई हैं सबने एकत्र होकर यहाँ मंदिर की साफ सफाई का काम किया और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी का जो एक मैसेज आया कि हम सभी हिंदू भाई एक साथ तो 22 तारीख को अयोध्या नहीं पहुंच सकते, संभव ही नहीं है इतने करोड़ों लोगों को एक साथ पहुंचने का, तो हम सब अपने अपने मोहल्ले का, अपने गली का, मंदिर का स्वच्छता करें और साथ में 22 तारीख को वहीं बैठकर सारा समाज एकत्र होकर साक्षी बने। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता नितिन नवीन ने भी आज मंदिर में स्वच्छता अभियान चलाया है। महावीर मंदिर में उन्होंने सफाई अभियान की शुरुआत की। वहीं इस अवसर पर बड़ी संख्या में बीजेपी के नेता मौजूद रहे। इस दौरान नितिन नवीन ने लोगों को मकर संक्रांति की बधाई दी, साथ ही लोगों से स्वच्छता अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने आज से शुरू हो रहे राहुल गांधी की देशव्यापी यात्रा पर तंज कसा। इसके साथ ही राहुल गांधी और लालू यादव पर उन्होंने नीतीश कुमार के करियर को बर्बाद करने का आरोप लगाया है। निकलना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, एक कांग्रेस पार्टी के नेता है और जिस तरह उन्होंने बिहार में पहले लालू प्रसाद जी का राजनीतिक करियर समाप्त किया ऑर्डिनेंस फाड़कर, उसी तरह कल नीतीश कुमार जी का ये आरोप लगा के कि ममता बनर्जी तैयार नहीं है, संयोजक नहीं बना सकते हैं, तो ये तो राजनीतिक तौर पर कांग्रेस का समाजवादियों को लगातार एक तरह से बर्बाद करने का काम किया जाता है।